आपने सॉल्व किया था एक्सरसाइज ए आपको होमवर्क में था लिखना तो आपने लिखा होगा ऐसी आशा करता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग रख देते हैं हम यहां पे हमने जो ए और एन का हेडिंग रखा था वैसे ही सेम टू सेम ध का हेडिंग रख देते हैं यूज इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई चलिए हेडिंग रख देते हैं यूज ऑफ आर्टिकल धी एच ई ठीक है अब इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो शुरुआत में सबसे पहले वही समझेंगे कि वे एक डेफिनेट आर्टिकल इसको हम बोलते हैं द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल ठीक है तो चलिए फर्स्ट पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे वी यूज द

पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि हम जब स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल आई सॉ हाउस आई सॉ हाउस विच यू डिस्क्राइब्ड इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि आपने मुझे एक घर के बारे में बताया ठीक है आपने मुझे एक घर के बारे में बताया अब वही घर के बारे में जब आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे वो घर स्पेसिफिक लग रहा है स्पेसिफिक लग रहा है का मतलब कि आप वो घर को पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है वो घर को जानते हैं और उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात कर रहे हैं आई सॉ हाउस विच यू डिस्क्राइब कि आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो हाउस के बारे में वो घर के बारे में मैंने वो देख लिया आई सॉ हाउस मैंने वो घर को देखा तो उसी के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं और धा होता है हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे घर कौन सा घर जो आपने डिस्क्राइब किया था वो घर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम एग्जाम्पल I saw the lady. I saw the lady who is your neighbor. I saw the lady who is your neighbor. बेटा यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम वो लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो नेबर है ठीक है जो पड़ोसी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो जब हमको पता है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है वो लेडी के बारे में इसका मतलब कि जब वो चीज को हम जानते हैं तब हम उसको धा यूज करते हैं ए और एन का भी यूज करते थे जब हम जनरलाइज चीज की बात कर रहे हैं एक साधारण चीज की बात कर रहे हैं ठीक है तब हम ए और एन यूज करते थे लेकिन यहाँ पे हमको जो चीज के बारे में पता है उसके आगे ए और एन नहीं लगाना है उसके आगे ध लगाना है सेंटेंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दी है हु इज योर नेबर तो वो लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके नेबर है समझ रहे हैं तो भाई चलिए ये हो गया एक पॉइंट कि भाई हम एक किसी को रेफर कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं और एक पॉइंट है हमारे पास और वो पॉइंट है अ कॉमन नेम ध हम तब यूज करते हैं ऐसा मत लिखिएगा मैं बोलता हूं ऐसा लिखिए वी यूज व्हेन when there is a common name there is a common name representing representing the whole class the whole class इसका मतलब क्या हो गया बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन नेम के आगे हम यूज करते हैं एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल द पिकॉक द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा बेटा ऑफ इंडिया द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया देखो यहाँ पे पिकॉक के आगे हमने ध के बारे में बात की तो यहाँ पे हम एक कॉमन नेम है पिकॉक और वो पूरे सारे पिकॉक के बारे में बात करेंगे जितने भी पिकॉक हैं ठीक है ठीके? वो सारे का एक क्लास उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है वहां पे हम ध लगाते हैं ध पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया फिर वी यूज द लिखे नेक्स्ट पॉइंट वी यूज द the... विथ नाउन्स विथ नाउन्स विच आर यूनिक नेम्स विच आर यूनिक नेम्स इसका मतलब क्या हो गया बेटा एग्जाम्पल लेते हैं हम है एक एग्जाम्पल है हमारे पास द अर्थ तो एक यूनिक नाम है अर्थ ठीक है और दूसरा एग्जाम्पल है द सन है ना द मून ते सारे सब यूनिक नाम है ठीक है यूनिक मतलब दुनिया में एक ही है यूनिक नाम है तो उसके साथ हम ध यूज कर देते हैं ये समझ में आया ना बेटा ओके चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो है वी यूज़ विथ सुपर वी यूज द विथ सुपरलेटिव्स हमने एडजेक्टिव्स देखा था उसमें कुछ थोड़ा कुछ देखा था तो वहां पे डिग्री ऑफ कंपेरिजन की अगर हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में लगता है एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल दॉलेस्ट बिल्डिंग देखो बेटा टॉलेस्ट ई एस टी आ गया ना तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉमा कर देते हैं यहां पे दंगेस्ट सिंगर ंगेस्ट ये हो गया ना सुपरलेटिव ठीक है द हॉटेस्ट प्लैनेट द हॉटेस्ट प्लैनेट ये हॉटेस्ट हो गया ना सुपरलेटिव हॉट हॉटर हॉटेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट यंग यंगर यंगेस्ट तो ये सुपरलेटिव डिग्री का जो ई एस टी वाला पार्ट है सुपरलेटिव डिग्री के जो भी शब्द होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके आगे हम यूज करते हैं ठीक है फिर वी यूज द नेक्स्ट पॉइंट लिखे वी यूज द वी यूज द विथ वर्ड्स लाइक फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट थर्ड लास्ट नेक्स्ट ओनली सेम ऐसे शब्दों के साथ हम यूज करते हैं द एग्जाम्पल देखते हैं हम द फर्स्ट रो द फर्स्ट रो द बॉय सिटिंग इन द फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो द फर्स्ट रो हम बोलते हैं ठीक है और एक एग्जाम्पल लेते हैं द नेक्स्ट रूम द्लास हेज गैदर्ड इन दूम ओके फिर द थर्ड बॉय द थर्ड बॉय इज स्पीकिंग लाउडली है ना फिर द सेम बुक आई वॉन्ट द सेम बुक तो यहां पर ऐसे शब्दों के पास हम ध यूज करते हैं वैसे अगर आप देखने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट कनेक्टेड ही है ये सारे कि भाई हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हमको उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है इसी वजह से हम ध लिख रहे हैं जैसे रो कौन सा फर्स्ट तो ध फर्स्ट रो बॉय कौन सा थर्ड तो थर्ड बॉय तो हमको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है नाउन के लिए तो हम ध यूज करते हैं ये हमने समझा नेक्स्ट पॉइंट वी यूज वी यूज द विथ नेम्स ऑफ रिवर्स सीस एंड ओशंस ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं ध ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर है ना बट द ब्रह्म पुत्र ओके okay? द पैसिफिक ओशियन द पैसिफिक ओशियन द इंडियन ओशियन द इंडियन ओशियन और द रेड सी तो बेटा सी है ओशियन है ठीक है रिवर है उसके आगे हम लगाते हैं द नेक्स्ट पॉइंट विथ माउंटेन रेंजेस ये आपको सब लिखना है बेटा फेयरबुक में विथ माउंटेन रेंजेस माउंटेन रेंजेस मतलब हिमालयाज हैं वैसे तो एग्जाम्पल हम देखते हैं दिमालयास द नीलगिरी हिल्स ठीक है ये एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन रेंजेस के चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी यूज द विथ ट्रेन्स शिप्स एंड एरोप्लेन ट्रेन शिप एंड एरोप्लेन का मतलब उसके नाम के आगे हम ध यूज करते हैं एग्जाम्पल धताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है बेटा द शताब्दी एक्सप्रेस ठीक है फिर द ब्रिटिश एयरवेज एरोप्लेन्स हैं शिप्स हैं ट्रेन है उसके आगे हम ध लगाते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट वी यूज द वी यूज द विथ होली बुक्स होली मतलब पवित्र बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स एग्जाम्पल ध कुरान कुरान बुक होते हैं ना ध धा ओके तो बुक्स और स्क्रिप्चर्स के आगे हम ध लगाते हैं जैसे हमारे यहां पे महाभारत तो ध महाभारत ध रामायण ठीक है चलिए नेक्स्ट वी यूज द न्यूज पेपर्स विथ न्यूज पेपर्स कम करिए विथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड वेल नोन बिल्डिंग्स वेल नोन बिल्डिंग्स ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं हम न्यूज पेपर्स तो द टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया कौमा द हिंदुस्तान टाइम्स एग्जाम्पल ये हो गए न्यूज पेपर के एग्जाम्पल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो द रेड फोर्ट द ताजमहल द कोलकोंडा फोर्ट बहुत ही बड़ा फोर्ट है ओके नेक्स्ट पॉइंट वी यूज द द डायरेक्शंस एंड विथ द होल फैमिली नेम्स होल फैमिली नेम्स एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल डायरेक्शन तो धस्ट द वेस्ट ठीक है और एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली नेम्स तो उसका ध गुप्ता हम स्पेसिफिक फैमिली की बात करें कि भाई वो गुप्ता जो लोग हैं द गुप्ताज आर वेरी टॉकेटिव तो गुप्ता लोग जो होते हैं बहुत बात करते हैं ऐसा ध गुप्ताज आर वेरी तो ध गुप्ता ध मेहताज उसके आगे हम लगाते हैं ठीक है तो ये हम स्पेसिफिक फैमिली नेम्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है कंट्रीज के आगे आप लगाते हैं जहां पे स्टेट्स होता है किंगडम होता है उसके आगे तो वी यूज धी यूज ध With countries, with countries, जिसमें स्टेट्स या किंगडम आता है ठीक है उसके आगे आप लगाते हैं जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो उसके आगे आप लगाते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके फिर ये एक जानने की बात है बेटा वी यूज बिफोर एड्जेक्टिव विच Represents a class. Example, ध रिच ध पुअर तो बेटा यहां पे क्या है एक क्लास बताया है रिच रिच क्या है तो एक क्लास है मतलब जितने भी पैसे वाले लोग हैं जितने भी रिच लोग हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिच तो ध रिच द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअर तो यहाँ पे द रिच बिकम्स रिचर का मतलब जो पैसे वाले लोग हैं रिच है वो रिचर बनते जा रहे हैं ज्यादा पैसे वाले बनते जा रहे हैं और जो पुअर है वो ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं तो पुअर पूरे क्लास की बात की है पुअर पूरे लोगों की बात की है ठीक है सारे लोगों की बात की है तो जब एक एड्जेक्टिव जैसे रिच है पुअर है तो ये जब एड्जेक्टिव एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है क्लास बताता है हमको जैसे रिच के बारे में बात करें तो वो सारे लोग जो रिच हैं उसके बारे में बात करें द रिच बिकम्स रिचर है ना तो वो सारे लोग जो पैसे वाले हैं उसके बारे में बात करें तो द रिच ठीक है चलिए फिर एक और पॉइंट वी यूज द यूज द बिफोर अ नाउन बिफोर अनाउन टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एग्जाम्पल देखते हैं हम मिल्क इज सोल्ड बाई ध लीटर एग्जाम्पल और एक लेते हैं एग्जोल बाय डजन। डा लीटर और डजन ये है हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आगे हम लगाते हैं तो आप जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे लीटर के दाम से मिल्क जो है वो बेचा जाता है तो लीटर के मेजर से बेचा जाता है तो अगर ऐसा आप लिखना चाहते हैं तो वहां पे आप ध रखेंगे सोल्ड लीटर लीटर नहीं ठीक है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वी यूज द वी यूज द बिफोर एड्जेक्टिव इन कंपेरेटिव डिग्री लेकिन ये कंपेरेटिव डिग्री वो नहीं है बेटा ठीक है ये कंपेरेटिव डिग्री अलग है मैं आपको बताता एग्जाम्पल द ओल्डर ही ग्रीव द ओल्डर ही ग्रीव द वाइजर ही बिकेम यहाँ पे नो डाउट ओल्डर और वाइजर वो दोनों कंपेरेटिव डिग्री में है लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो उसके ही समय की बात कर रहे हैं और वहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई जितना ओल्ड वो होता गया उतना बुद्धिमान वो बनता गया तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ओल्डर ही ग्रीव द वाइजर shorter द दर ऐसा हो सकता है ठीक है तो कंपेरेटिव डिग्री के आगे, आगे आप जब कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को तो ध लगाते हैं ओके okay. चलिए अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज बी के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द रिक्वायर्ड ओके चलिए इसको फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स खेलते हैं भाई इसके साथ चलिए स्क्रीन के ऊपर आपके एक्सरसाइज बी आ गई है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और पीछे और पांच है लेकिन पहले पांच देख लेते हैं विजिटेड सफडार जंग टॉम्ब लास्ट मंथ तो यहां पर देखिए सफ डार जंग टॉम्ब अब ऐसा कोई एक ही होगा ना तो हम यूज करेंगे ध को यहां पर अब लिख देंगे ध ही ऑलवेज स्पीक्स ध ट्रूथ ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ ठीक है एर एन तो हम नहीं लगाते हैं ट्रूथ के आगे वी शुड ऑलवेज हेल्प ध नीडी ठीक है ध नीडी नीडी मतलब एक क्लास है जरूरतमंद का पूरा ग्रुप बना के बोला है नीडी तो ये ध लगा देंगे रीटा फाउंड अ वन रूपी कॉइन की एन वन रूपी कॉइन अ या एन एन आएगा क्या अ आएगा देखिए वन व वी का आवाज आ रहा है व ठीक है तो वहां पे हम आवाज हमको जो आ रहा है वो वोवेल का नहीं है वो कॉन्सनेंट का आवाज है तो यहाँ पे हम लगा देंगे अ रिटा फाउंड कॉइन ही डैश बॉय शी टॉकिंग अबाउट ही सो ध बॉय शी वॉज टॉकिंग अबाउट तो यहाँ पे हम लिख देंगे ध क्योंकि यहां पे हमको वही बॉय के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई वो जो लड़की है वो जिसके बारे में बात कर रही थी वही लड़का उसको दिख गया ठीक है तो हम को पता है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है तो हम लगा देंगे धा ओके आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आपने शायद लिख दिया होगा जिसने नहीं लिखा उसके लिए पांच सेकंड दे देता हूं तो मैं फाइव फोर थ्री टू वन इसको मैं क्लियर करता हूं और आगे बढ़ते हैं चलिए सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा आई ऑलवेज लाइक टू रीड अबाउट स्पोर्ट्स इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया बटे अभी मैंने बताया आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में हम क्या लिखते हैं बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया में हम लिखते हैं द तो यहाँ पे लिख दिया हमने द आई ऑलवेज लाइक टू रीड अबाउट स्पोर्ट्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक है ही सॉ डैश यूरोपियन डैश जर्मन एंड डैश इंडियन डिस्कसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट हि सॉ यू यू याई का आवाज यार यूरोपियन सो अूरोपियन अर्मन एंड एन इंडियन ठीक है ई e, e का आवा जा रहा है यहां पर ठीक है तो एन इंडियन लिखेंगे हम ही सो यूरोपियन अर्मन एन एन इंडियन यूरोपियन में हमने आगे देखा था तो बेटा यूरोपियन आता है तो हम अ लगाते हैं क्योंकि वहां पे साउंड जो होता है भले ही यहाँ पे ई e लिखा हुआ है लेकिन साउंड जो है वो यू का आता है यूरोपियन ये यू, ये समझ में आया बेटा चलिए नंबर एट वी बोर्डेड डैश लखनऊ मेल अब लखनऊ मेल क्या होता है ट्रेन का नाम ट्रेन के नाम के आगे क्या लगाते हैं द लगाते हैं वी बोर्डेड द लखनऊ मेल एट नाइट डैश पिकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड तो ध पिकॉक लिखेंगे क्योंकि पिकॉक का पूरे ग्रुप के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं तो पिकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड ठीक है माई फादर इज अ या एन ऑनररी ओ ऑ भले ही एच यहाँ पे लिखा है लेकिन साउंड जो है वो आ रहा है oh का oh, मैनेजिंग कमेटी honor, ठीक है चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर है इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए यहाँ पे टेन सेकेंड देता हूँ नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है चलिए इसको मैं क्लियर करता हूं और आगे हमारी बुक पे आ जाते हैं यहां पे हमने आज सॉल्व की एक्सरसाइज बी तो आपके होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज बी आपको लिखना है और बुक कंप्लीट करनी है जैसे मैंने लिखा है वैसे ही सेम टू सेम एज पर लेक्चर ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज सी की ओके नेक्स्ट लेक्चर टिल देन गुड बाय शबा खैर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे एक्सरसाइज सी की बाय बाय फॉर नाउ